हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी। ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2021 కొరకు కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ లోని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పార్ట్ 7 లో ఉన్నాము। फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए डैश। ऑप्शन ए शेयरवेयर, ऑप्शन बी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी एन एप्लीकेशन सूट। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन डी एन एप्लीकेशन सूट। क्वेश्चन नंबर टू, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विद फॉन्ट। ऑप्शन ए फॉन्ट फेस, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी फॉन्ट कलर, ऑप्शन डी फॉन्ट ग्रामर। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन डी फॉन्ट ग्रामर इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड इज डैश। ऑप्शन ए डॉट जेपीईजी, ऑप्शन बी डॉट पीएनजी, ऑप्शन सी डॉट डीओसी, ऑप्शन डी डॉट ईएक्सई। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन सी डॉट डीओसी। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी यूज्ड टू चेंज पेजी साइज एंड मार्जिन्स। ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी डाटा। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन ए पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर फाइव, टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज यूज डैश। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस वन, ऑप्शन बी कंट्रोल जे, ऑप्शन सी कंट्रोल यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस के। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्क बुक इज ए कलेक्शन ऑफ डैश इन एमएस एक्सेल। ऑप्शन ए पेज सेटअप, ऑप्शन बी बटन्स, ऑप्शन सी डायग्राम्स, ऑप्शन डी वर्कशीट्स। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन डी वर्कशीट्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन एमएस एक्सेल वर्कबुक वन शुड क्लिक डैश। ऑप्शन ए एक्टिव सेल, ऑप्शन बी स्क्रोल बार, ऑप्शन सी शीट टैब, ऑप्शन डी टैब बटन। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन सी शीट टैब। क्वेश्चन नंबर एट, इन ए स्प्रेडशीट ए डैश इज एन नंबर यू विल यूज इन ए कैलकुलेशन। ऑप्शन ए लेबल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी वैल्यू। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन डी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन ए स्लाइड शो व्यू। ऑप्शन ए एस्केप की, ऑप्शन बी द स्पेस बार, ऑप्शन सी द एंटर की, ऑप्शन डी द माउस बटन। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टेन, इन माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। ऑप्शन ए डॉट वाव फाइल्स एंड डॉट मिड फाइल्स, ऑप्शन बी वाव फाइल्स एंड गिफ फाइल्स, ऑप्शन सी वाव फाइल्स एंड जेपीजी फाइल्स, ऑप्शन डी जेपीजी फाइल्स एंड गिफ फाइल्स। करेक्ट आंसर वच्चेसी ऑप्शन ए वाव फाइल्स एंड मिड फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेस ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज द थंबनेल एंड
is useful for rearranging slides? Option A, slide shorter. Option B, slideshow. Option C, slide master. Option D, note pages. Correct answer which is the option A, slide shorter. Question number 12. If you want to insert a chart to your slide, then go to dash. Option A, insert chart. Option B, home chart. Option C, format chart. Option D, table chart. Correct answer which is option A, insert chart. Question number 13. Which of the following is not a type of Microsoft Access database object? Option A, table. Option B, worksheet. Option C, module. Option D, macros. Correct answer is option B, worksheets. Question number 14. Row in a Access table is also known as dash. Option A, field. Option B, record. Option C, data. Option D, type. Correct answer is option B. Question number 15. Queries in Access can be used as dash. Option A, view, change and analyze data in a different ways. Option B, a source of recorders from forms and reporters. Option C, to Access internet. Option D, both A and B. Correct answer is option D, both A and D. Question number 16. How can you disable extended selection mode? Option A, press F8 again to disable. Option B, press delete to disable. Option C, press escape to disable. Option D, press enter to disable. Correct answer is option C, press escape to disable. Question number 17. What does EXT indicator on status bar of MS Word indicate? Option A, it indicates whether the external text is pasted on document or not. Option B, it indicates whether extended add-ons are installed on MS Word or not. Option C, it indicates whether extended selection mode is turned on or off. Option D, both A and B. Correct answer is option C. It indicates whether extended selection mode is turned on or off. Question number 18. What is the maximum number of lines you can set for a drop cap? Option A, 3. Option B, 10. Option C, 15. Option D, 20. Correct answer is option B, 10. Question number 19. What is the default number of lines to drop for drop cap? Option A, 3. Option B, 10. Option C, 15. Option D, 20. Correct answer is option A, 3 lines. Question number 20. What is the shortcut key you can press to create a copyright symbol? Option A, Alt plus Control plus C. Option B, Alt plus C. Option C, Control plus C. Option D, Control plus Shift plus C. Correct answer is option A.
Thank you for watching.